दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, जिसे सामान्यतः लोग गोरखपुर चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। 121 एकड़ में फैला यह चिड़ियाघर कानपुर चिड़ियाघर के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट का चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर की सबसे खास बात कि यहाँ की साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। अगर आप गोरखपुर के आसपास के हैं तो आपको चिड़ियाघर ज़रूर देखना चाहिए। यह चिड़ियाघर 27 मार्च 2021 को पब्लिक के लिए खुला है और अब तक खुले इसको 1.5 साल हो चुके हैं। यह चिड़ियाघर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब करीब 8 किलोमीटर और एयरपोर्ट से करीब करीब 11 किलोमीटर दूर है। यह चिड़ियाघर अमूमन 1.5 किलोमीटर की लंबाई में है। इंडियन राइनो 10 से 13 फीट लंबा, 1600 से 3000 किलोग्राम वजनी और 35 से 45 साल तक जीवन काल के ये भारतीय गैंडा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये IUCN की असुरक्षित श्रेणी में ये जानवर आते हैं। कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है पार्क के बीचों बीच में, ताकि कोई आदमी तेंदुआ 5 से 7 फीट लंबा, 35 से 70 किलो तक वजनी और 12 से 20 साल तक जिंदा रहने वाला यह जानवर मांसाहारी जानवर। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और खूंखार जानवर, एशियाटिक लायन, एशियाई बब्बर शेर। एशियाई बब्बर शेर बहुत ही खतरनाक जानवर, IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आने वाला यह मांसाहारी जानवर 8 से 11 किलो फीट लंबा, 120 से 180 किलो वजनी और 16 से 21 साल तक जिंदा रहने वाला ये प्राणी है। घड़ियाल 9 से 20 फीट लंबा, 160 से 250 किलो वजनी, इनका 50 से 65 साल लगभग जिंदा रहने वाला यह जानवर उत्तर भारत में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, खास करके गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदियों में यह पाई जाती हैं और मगरमच्छ 6 से 12 फीट लंबा, 120 से करीब करीब 250 किलो वजनी, 28 से 35 साल तक जिंदा रहने वाले ये मांसाहारी जानवर। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं सांप घर में।
कोने चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इस चिड़ियाघर में, तितली घर में। बाहर से देखने पे तो ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, उम्मीद करते हैं कि अंदर भी इतनी खूबसूरत। होगी वाह, सच में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई तितली नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं जल्द ही इसमें तितली। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं एक और खूबसूरत जगह, एक्वेरियम, मछली घर। अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, आपको जरूर आना चाहिए।
उम्मीद।